गुड मॉर्निंग बेटा, एवरी स्टूडेंट। आज हम अपने तीसरे वीडियो में आगे के सम क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रश्नावली 3.1 स्तंभ वन की संख्याओं का स्तंभ टू के साथ मिलान करना है, मतलब सही जोड़ियां मिलाकर आपको बनानी है। तो क्वेश्चन आप देखेंगे स्तंभ वन और स्तंभ टू में, वन में हमारे पास क्या क्या संख्याएं दे रखी, 35 फर्स्ट में, सेकंड में, पहले में 35, दूसरे में 15, तीसरे में 16, चौथे में 20, पांचवे में 25। और स्तंभ टू में लिखा है ए वाले में 8 का गुणज, बी वाले में 7 का गुणज, सी वाले में 70 का गुणज, डी वाले में 30 का गुणनखंड, जी वाले में, ई वाले में 50 का गुणनखंड और एफ वाले में 20 का गुणनखंड। तो हम संख्याएं कैसे मिलाएंगे ये देखिए बेटा। तो हमारे पास उत्तर में जब सही जोड़ियां मिलाएंगे तो 35 किसका गुणज होगा, 7 का गुणज होगा, मतलब 7 के पहाड़े में आता है। 15 क्या होगा, 15 30 का गुणनखंड होगा। अच्छा, तीसरे में आते 16 क्या होगा, 16 8 के टेबल में आते हैं इसलिए 8 का गुणज होगा। 20 क्या है, 20 का एक गुणनखंड होता है। और 25 क्या है, 50 का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हमारे ये सही जोड़ियों का मिलान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा मेरे पास लिखा हुआ है, क्या है बेटा, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। 9 के पहाड़े में आपको बोलना तो है पर किससे कम संख्या आनी चाहिए, 100 से कम। तो 9 का टेबल हम बोलेंगे, 9 एकम 9, 9 दुनिया 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 5 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90 और आखिरी में 9 × 11 99। तो हमारे पास जो गुणज आएंगे 9 के वो आएंगे 9 18 27 36 45 54 63 72 90 और 99। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई बेटा। 3.2 की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये रिक्त स्थान भी हम समझ के करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें ए वाले में, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, एक कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं बेटा। सेकेंड आएगा, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाती है, डिविजेबल नंबर कहलाता है। तीसरे वाले में आते हैं, एक संख्या न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। चौथे वाले में आते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, एक तो होती नहीं है, तो 2 से शुरुआत होगी तो 2 होती है। इसके बाद आएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाई 2 अभाज्य हो गई तो 3 क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। 2 अभाज्य सबसे छोटी होगी, 3 भी अभाज्य होगी और 4 जो है वो भाज्य संख्या होगी, तो हम खाली स्थान में 4 लिखेंगे। एफ वाले में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती, 2 होती है बेटा, 0 को तो हम नहीं मानते, पूर्ण संख्या में आती है। अगले नेक्स्ट हम आते हैं सत्य असत्य बताने में। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। पहला वाला प्रश्न है, 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, ये गलत है, विषम ही होगा तो असत्य में जाएगा। बी वाला, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम संख्या होती है, 2 विषम और एक सम, तो ये आएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, गुणनफल की बात कर रहे हैं, सत्य, गुणनफल ही होगा विषम। डी वाले में, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होगा, नहीं ये तो गलत हो रहा है, सम संख्या का भाग तो सम आएगा, तो ये असत्य में जाएगा बेटा। ई वाले में, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये गलत है, सम भी तो हो सकती है विषम संख्याएं, जरूरी नहीं कि विषम हो, तो ये असत्य में जाएगा। एफ वाले में आते हैं, अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता है, ये भी असत्य, होते भी हैं। आगे बढ़ेंगे,
जी वाले में दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक समसंख्या होती है, ये भी असत्य रहेगा। तो ये हमारे यहाँ तक असत्य हो चुके हैं। और अब देखते हैं यदि कोई छोटा सा क्वेश्चन बचा हो तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। यस, पीछे थोड़े से खाली स्थान और रह गए हैं। तो ये हमारे पास रहेगा एच वाले में केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है, सत्य है। सभी सम संख्याएं भाज्य होती है, असत्य है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होती है, ये सत्य है बेटा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और इस वीडियो में कर लेते हैं। आपको बताना है योगफल सम होता है विषम होता है, किन्हीं दो संख्याओं का, दो संख्याएं सम या विषम होता है। यदि भी दोनों विषम हो और दोनों सम हो तो किन्हीं दो संख्याओं का योग सदैव सम होता है, चाहे वे संख्याएं दोनों विषम हो या सम हो। सेकंड अगला क्वेश्चन फोर्थ वाला, 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं अलग अलग कीजिए। तो अभाज्य संख्याएं हो जाएगी 20 से छोटी बोल रहा है बेटा, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। और सम संख्याएं हो जाएगी भाज्य में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। अगला प्रश्न है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखो, तो वो 7 होती है बेटा। अगले प्रश्न में क्या लिखा है, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। जैसे पहला वाला लिखा ए 44, 44 को लिख सकते हैं 3 प्लस 41, 36 को लिख सकते हैं 5 प्लस 31। इसी प्रकार दो में आपको प्रयास करना है 24 और 18 में। ये आपका एक होमवर्क का सम रहेगा, तो आप इसको होमवर्क में ज़रूर करें। ये दो सम आपको यहाँ इस प्रश्नावली में होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, मैं होमवर्क करें, ये आपका होमवर्क। और आखिरी के दो क्वेश्चन और करके हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करेंगे बेटा। क्या लिखा है, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गए 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। इन दो अंकों वाली 100 से छोटी संख्या है जिनमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या दे रखी 21, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 13, 3 और 5 8, 8 और 13 21, इसका उत्तर आएगा। इसी प्रकार अगला नंबर है हमारे पास क्या बेटा, 31, तो 31 को लिख सकते हैं 3 प्लस के 5 प्लस के 23, 3 और 5 8, 8 और 23 31। आपको दो सवाल प्रयास के रूप में दे रहा हूँ, सी वाला 53 को भी ऐसे ही लिखना है और 61 को भी ऐसे ही लिखना है। ये आपको होमवर्क में सवाल है बेटा। तो ये आज सेकेंड वीडियो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नई एक्सरसाइज लेकर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे, सी यू।